हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। आज हम बात करेंगे रणधीर सिंह के बारे में। अस्सी और नब्बे के दशक की डरावनी हिंदी फिल्मों में भूत या दानव बनकर डराने वाले एक्टर्स में से एक थे रणधीर सिंह। वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले थे। रणधीर सिंह 6 फुट 6 इंच लंबे पतले दानव जैसे दिखने वाले इंसान हैं। उनका चेहरा काफ़ी बड़ा और लंबा था, इसलिए उन्हें भूत, दानव और राक्षस के रोल मिलने लगे थे। एक बीमारी की वजह से उनका चेहरा मौरा ऐसा हुआ था। उनके दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था। इस बीमारी की वजह से हाथ, पैर, चेहरा, ठुड्डी और शरीर के कुछ अंग बड़े हो जाते हैं या ज़्यादा उभर जाते हैं। अनिरुद्ध अग्रवाल को भी यही बीमारी थी और इत्तेफाक से दोनों की सूरत भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। रणधीर सिंह को ज़्यादातर दानव के रोल मिलते थे, वो फिल्म हो या टीवी प्रोग्राम। अगर स्टोरी में किसी दानव का रोल है तो डायरेक्टर को सबसे पहले रणधीर सिंह का ही ख्याल आता था। 1988 में आए टीवी सीरियल महाभारत में तो उन्होंने हिडम और पूतना दो राक्षसी रोल किए थे। छियासी में आए दादा दादी की कहानियों में भी उन्होंने राक्षसी रोल किए थे और बहुत से ऐसे सीरियल होंगे जिनमें उन्होंने राक्षस का रोल किया होगा लेकिन हमें मालूम नहीं। विदिम्बा मनुष्य मांस का है, लगता है कई जन्म बीत गए, कितना भी खाऊं भूख नहीं मिटती। डरावनी फिल्मों में भूत के रोल के अलावा उन्हें छोटी बड़ी फिल्मों में गुंडे, बदमाश, डाकू और आतंकवादियों की टोली में विलन के पीछे दिखने वाले रोल भी बहुत मिलते थे। कुछ फिल्मी लोगों ने उनका निक नेम भयानक रखा हुआ था, लेकिन वो सब प्यार और अपनेपन से उन्हें भयानक बुलाते थे, इसलिए रणधीर बुरा नहीं मानते थे, बल्कि कई फिल्मों में उनका नाम भयानक ही है। हम हैं डांगा। मैं भयानक। मैं सिराज। सूर्यवंशी में पुनीत इस्सर उन्हें बदसूरत कहकर बुलाते हैं। उनकी फिल्मोग्राफी मुझे बहुत कम मिली थी, इसमें कुछ फिल्में मैंने खुद ऐड की हैं जिनको देखते हुए रणधीर सिंह मुझे उन फिल्मों में दिखाई दिए थे। ये चीख कैसी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दो मालकिन। मैं सच कह रहा हूँ, तू झूठा है, मक्कार और बलात्कारी है, गद्दार है। मैंने इस हवेली की मालकिन को मार कर इस दौलत को हासिल किया है। वो 1985 में आई चीख फिल्म में रजा मुराद के मरने के बाद उनके पुतले बने थे। सतासी में आई लोहा फिल्म में वो 25 कैदियों में से एक हैं। आ, 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 आ,
1989 में आई 100 साल बाद में वो दैत्य बने हैं। '89 में ही आई फिल्म त्रिदेव में भुजंग के साथी थे। वो ज्यादातर सीन में शमशुद्दीन के साथ भुजंग के पीछे खड़े हुए नजर आते थे। आओ रवि आओ, तुम्हारी तलाश पुलिस को है, और जब दो गैर कानूनी जाबाज मिल जाते हैं तो गुनाहों के मैदान में झंडे गाड़ देते हैं। 1989 में ही आई जादूगर फिल्म में वो महाप्रभु के चेलों में से एक हैं। बस एक छोटा सा मगर लंबा सा, पतला सा मगर मोटा सा, नन्ना सा मगर मुन्ना सा बेटा चाहिए। 1991 में आई रामसे की फिल्म अजूबा कुदरत का में वो येती बने थे। ये पूरी फिल्म येती बने रणधीर सिंह पर ही थी। '92 में आई सलमान खान की फिल्म सूर्यवंशी में वो खुदाई करने वाले लोगों में से एक थे। अगर अंदर में सचमुच का भूत हुआ तो अबे साले तुझे देखकर डर कर भाग जाएगा। '94 में आई आग आंधी और तूफान में वो चंडी डाकू के एक साथी के रोल में है। शनिवार लगता है तू सपने में मुझसे डर गया है। '94 में ही आई संजय दत्त और अक्षय कुमार की फिल्म अमानत में लंकेश्वर के गुंडों में से एक थे। इसमें शमशुद्दीन, गोरिल्ला और रजाक खान भी रणधीर के साथ थे। हम हैं ठाकुर लंकेश्वर, ये है हमरी लंका, और हम हैं ई के ईश्वर। तूने तो पूरा मामला ही सलटा ही दिया। 1995 में आई पुलिस वाला गुंडा फिल्म में धर्मेंद्र की पत्नी रीना रॉय और उनकी बेटी को मारने आए चार गुंडों में से एक रणधीर होते हैं। '2001 में आई बदला शेरनी का फिल्म में बिछुआ नाम के जंगली का रोल किया है। शेरनी तो जासूसी कुत्तों के भी हाथ से बचकर निकल गई। बच गई? शेरनी तो मुझे छोड़ देगी लेकिन नागिन नहीं छोड़ेगी। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। घबरा मत बिछुआ, तुम पुलिस की पनाह में हो। 2001 में ही आई जंगली टार्जन फिल्म में बेला के साथी पहाड़ सिंह नाम के जंगली का रोल किया है। अरे कहां तक भागी? क्या बात है पहाड़ सिंह, ये शहरी तुम्हें क्यों मार रहा है? पहाड़ सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता था और इस शहरी बाबू ने आके मेरी इज्जत बचाई। पहाड़ सिंह। 2002 में आई फिल्म खलनायकों का खलनायक में उन्होंने भयानक नाम से एक गुंडे का रोल किया है। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं भयानक, हम जग्गा के आदमी हैं और हम हफ्ता वसूलने आए हैं। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो भी मैं तुम लोगों को हफ्ता नहीं देता, समझे? 2003 में आई प्यासी भूतनी फिल्म में उनका रोल रणधीर सिंह के नाम से ही है। फिल्म के शुरू में ही वो एक लड़की को उसकी हवेली हड़पने के लिए मार देते हैं। रणधीर सिंह, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी दौलत हासिल करूंगा और इस हवेली का मालिक बन जाऊंगा। 2003 में आई प्यासा हैवान फिल्म में वो एक हवेली के चौकीदार होते हैं। फिल्म में उनका नाम शंभू होता है। शंभू, कौन हो आप लोग?
मरने के लिए आप लोगों को यही जगह मिली थी? वापस चले जाओ, नहीं तो बहुत भयानक मौत मिलेगी तुम्हें। बकवास मत करो शंभू। चीख नाम से 1985 में एक फिल्म आई थी और 2004 में भी चीख नाम से एक और फिल्म आई थी। दोनों ही फिल्मों में रणधीर सिंह है। इस फिल्म के शुरू में ही एक लड़की के अंदर एक आत्मा आकर रणधीर सिंह को मार देती है। ये धुआं, ये आंधी, ये तूफान, मुझे तो डर लगता है। तुम्हारा डर भगाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मैं जंगल में भागूं तो मेरे पीछे भागो। तुम कहाँ खो गई थी? मैं कितना ढूंढा तुम्हें। कहाँ गई थी तुम? दो हजार चार में ही आई जंगल का शेर फिल्म में उन्होंने गोरिल्ला नाम के एक जंगली का रोल किया है। मैं हूँ गोरिल्ला, नाग की तरह जहरीला, दुश्मनों को टकलू तो कर दू नीला। दो हजार पांच में आई दरिंदा फिल्म में उन्होंने टाइटल दरिंदे का ही रोल किया है। रणधीर सिंह ने कांति शाह की बहुत फिल्मों में काम किया है। कांति शाह सी और डी ग्रेड की फिल्में बनाते थे और उनकी ज्यादातर फिल्में टाकुओं, गुंडों या भूत की होती थी, इसलिए उन्हें रणधीर सिंह जैसे एक्टर की जरूरत होती थी। डॉन, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की 2008 में एक फिल्म आई थी जुदा अकबर। ये फिल्म ज़्यादातर सबने देखी होगी, कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा बार भी देखी होगी, लेकिन जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा वो था कि इस फिल्म में रणधीर सिंह भी हैं। आप हैरान हुए? मैं भी ऐसे ही बहुत हैरान हुआ था जब मेरा अचानक ध्यान गया था। आपने यहाँ तशरीफ लाने की ज़हमत की, हम शुक्रगुजार हैं। आने का सबब जानना चाहते हैं। अगर अभी भी आप नहीं पहचाने हो तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, रणधीर सिंह दरबान के रोल में आए। सच बताऊँ तो मैंने रणधीर सिंह को इनकी आवाज़ से पहचाना था। वो कहते हैं ना, नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज़ हमेशा मेरी पहचान रहेगी। बस अगर आपको याद रहे। आमदे ताजे दाड़े मुगलिया, शहंशाहे हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। रणधीर सिंह की शक्ल तो बहुत बदल चुकी है लेकिन आवाज़ अभी भी वही है, यही सेम आवाज़ आप 19 साल पहले आई फिल्म जादूगर में सुन सकते हैं, जब वो बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ लगाते हैं। महाप्रभु जगत सागर चिंतामणि जी की जय। महाप्रभु जगत सागर चिंतामणि जी की जय। वो 2010 में आई एक भोजपुरी फिल्म हम हैं मुन्ना भैया में भी थे। दोस्तों, इस फिल्म के बाद रणधीर सिंह की कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं ये वीडियो भी डिले कर रहा था कि शायद कहीं से मुझे रणधीर सिंह की कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कमाल है भाई, सूर्यवंशी साहब ने तो अपना बदला ले लिया। दीपा को मेरे पास लाओ, जाओ दत्तराज, जाओ भंग भंग। सन 2000 के बाद की फिल्मों में वो काफ़ी पतले और कमज़ोर लग रहे हैं। उनकी आखिरी नॉन फिल्म भोजपुरी है और वो बिहार के ही थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने की बीमारी के चलते बीमार रहने लगे होंगे और अपने नेटिव प्लेस बिहार में औरंगाबाद वापस चले गए होंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं लेकिन वीडियो शेयर भी ज़रूर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो देखते रहिए ये चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।